नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। तो हमने पिछले क्लास में देखा था प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित कृषि में, कृषि के तीन रूप हम देख चुके हैं। तो चौथा रूप आता है, वो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। कौन सी कृषि है? विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। यह कृषि व्यापार के लिए की जाती है। यह कृषि है, यह किसके लिए की जाती है? व्यापार के लिए की जाती है। और जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो विकसित देशों में की जाती है। किसमें की जाती है? विकसित देशों में की जाती है, जहां भूमि अधिक होती है, जहां भूमि क्या होती है? अधिक। ध्यान देना, भूमि तो क्या बताया इसमें? अधिक होती है, लेकिन जो जनसंख्या है वो क्या होती है? कम होती है। जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। भूमि अधिक और जनसंख्या कम होती है। तो विस्तृत वाणिज्यिक जो अनाज कृषि है, इसमें हमने देखा यह कृषि व्यापार के लिए की जाती है, तथा यह कृषि प्रमुख रूप से देखें तो कौन से देशों में? विकसित देशों में की जाती है, तथा इसमें भूमि है वो क्या होती है? अधिक होती है, और जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। अब देखते हैं हम इसकी विशेषता को, आगे देखेंगे इसमें इसकी विशेषता। तो विशेषता से इस कृषि को हम बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। विशेषताएं, विशेषताओं में अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है, जो पीछे हमने पढ़ा था वही चीज, कि यह कृषि है यह विकसित देशों में की जाती है। यह कृषि कौन से देशों में? विकसित देशों में। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह कृषि है यह क्या है? पूर्णतया मशीनीकृत है। क्या है? पूर्णतया मशीनीकृत है, यानी इस कृषि में जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। अब बात करें कि इसमें कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो मुख्यतः बात करें तो इसमें मुख्यतः फसलों की बात करें तो कौन सी आती है? गेहूं, जो, राई। ध्यान देना, वाणिज्यिक अनाज कृषि है उसमें कौन सी फसल? गेहूं, जौ, राई तथा तिलहन से संबंधित। तथा किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित। इन फसलों का क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। अब अगला पॉइंट आता है, इनको सुरक्षित रखने के लिए, किनको? जो ये फसल है इनको सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पांच नंबर में। तो इसमें प्रति हेक्टेयर उपज क्या होती है? कम होती है। ध्यान देना, प्रति हेक्टेयर उपज होती है कम, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपज होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। व्यक्तियों की बात करें तो प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है? ज्यादा होती है। दोबारा देखो इस पॉइंट को, कि प्रति हेक्टेयर यानी खेत का क्षेत्रफल देखें तो उसकी दृष्टि से उपज क्या होती है? कम होती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो यह उपज क्या होती है? अधिक होती है। यह कृषि प्रमुख रूप से घास के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। घास के
मैदानों में। कहाँ पे की जाती है? घास के मैदान। तो घास के मैदान आपने देखे थे, जैसे स्टेपीज है, डाउन्स है, पंपाज है, कंपाज है, उन क्षेत्रों में क्या की जाती है? वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। तो एक बार वापस देखो इसकी विशेषता। सबसे पहले हमने क्या देखा था? यह विकसित देशों में की जाती है। पूर्णतया यह कृषि क्या है? मशीनीकृत है। फिर मुख्यतः गेहूं, जौ, राई तथा तिलहन आदि फसलें हैं, उनकी कृषि की जाती है। इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया जाता है। पांचवा देखा था प्रति हेक्टेयर उपज क्या है? कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज की बात करें तो क्या है? ज्यादा है। तो लास्ट पॉइंट देखा हमने, यह कृषि है ये कहां की जाती है? घास के मैदानों में की जाती है। अब आगे आती है बागाती कृषि। पांचवी कृषि कौन सी है? बागाती कृषि। पांचवी कृषि देखो बागाती। तो बागाती कृषि है ये कौन से क्षेत्रों में की जाती है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। अगर पूछ लिया जाए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी कृषि, तो आपको बताना है बागाती कृषि। और इन क्षेत्रों में बात करें तो जलवायु कैसी रहती है? उष्ण आर्द्र। किसकी बात कर रहे हैं? जलवायु की। जलवायु क्या है? उष्ण आर्द्र। जलवायु कैसी रहती है? उष्ण आर्द्र जलवायु रहती है। इस कृषि का विकास, तो विकास की बात करें तो विकास कब हुआ था? 19वीं सदी में। कब हुआ था? 19वीं सदी में। फिर आगे चलते हैं कि इस प्रकार की कृषि है वो कौन से प्रदेशों में। तो प्रदेशों की बात करेंगे तो जहां पे जलवायु क्या हो? उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उन प्रदेशों में कौन सी कृषि की जाती है? बागाती कृषि की जाती है। तो विशेषताओं में बात करेंगे तो सबसे पहले विशेषता में आता है कि ये किन प्रदेशों में, तो अभी बताया था कौन से प्रदेश? उष्ण आर्द्र प्रदेश है। विशेषता में बात करेंगे तो एक नंबर विशेषता जलवायु वाली रहेगी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं दूसरे के इसमें किस प्रकार की कृषि की जाती है, इसमें कौन सी कृषि की जाती है? नकदी व सदाबहार। कौन सी कृषि? नकदी व सदाबहार कृषि। इस कृषि में किसकी आवश्यकता? पीछे वाले में कहीं देखा था क्या श्रमिक संबंधी? इसमें क्या है? इसमें श्रमिकों की आवश्यकता क्या होगी? ज्यादा होगी। श्रमिकों की आवश्यकता क्या होगी? अधिक। श्रमिक अधिक। फिर अगली बात करते हैं इनकी विशेषताओं में, तो अगली विशेषता आती है वो है कि यह एकल फसल कृषि है। ध्यान देना कौन सी कृषि है? एकल फसल कृषि है। कौन सी कृषि है? एकल फसल कृषि है। इस कृषि में उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। कौन सी कृषि से? इसी कृषि से उद्योगों को क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल। कच्चा माल किन्हें प्राप्त होता है? उद्योगों को। आगे वाले पॉइंटों में अगर हम बात करें तो श्रम अधिक है, तो पूंजी भी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। श्रम अधिक है तो पूंजी भी अधिक है। पूंजी की बात करें तो पूंजी क्या रहेगी? अधिक।
तो ये अगोहे इसके विशेषता से संबंधित कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट। एवं पुनः देख लो बागाती कृषि क्या है, यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण आर्द्र। उसके बाद विकास से संबंधित बात करें तो इसका विकास कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। यह कृषि है विशेषता में चलते हैं तो यह कृषि मुख्यतः कौन से प्रदेशों में? जो उष्ण आर्द्र प्रदेश हैं उन प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यह कौन सी कृषि है? नगदी व सदाबहार कृषि है। इस कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता की बात करें तो श्रमिकों की आवश्यकता क्या होगी? अधिक होगी। आगे चलते हैं तो देखते हैं यह कौन सी कृषि है? एकल फसल कृषि है। कौन सी कृषि है? एकल फसल कृषि है। फिर हमने देखा कि इस कृषि से उद्योगों को क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। उद्योगों को क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। और लास्ट में हमने देखा था इस कृषि के लिए अधिक पूंजी है वो क्या करनी पड़ती है? निवेश करनी पड़ती है। ये है हमारी कौन सी कृषि? बागाती कृषि। तो बागाती कृषि में अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी फसल, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बागाती जो कृषि है उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें, तो फसलों में आपको क्या बताना है? जैसे इलायची है, काली मिर्च है, रबड़ है, कॉफी है, केला है, सदाबहार। याद रखना सदाबहार। सदाबहार केला है कि नहीं है? कॉफी, रबर, काली मिर्च, इलायची। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो नारियल भी शामिल कर सकते हो। किसको? नारियल को भी। तो जो बागाती कृषि है उनमें कौन कौन सी फसलें, तो बागाती है उसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? देखो इलायची, काली मिर्च, काली मिर्च के अलावा क्या देखा था? रबर, रबर के अलावा कॉफी, केला और नारियल। अब अगला आता है इसमें 6 नंबर कृषि, मिश्रित कृषि। छठी कृषि कौन सी है? मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि, नाम से देखो मिश्रित, यानी इस कृषि में क्या होता है? जो कृषि फसल है उसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि प्लस पशुपालन। मिश्रित नाम आते ही याद रखना है कृषि के साथ पशुपालन। और यह कृषि भी कहां की जाती है? यह कृषि जो अत्यधिक कहां की जाती है? जो अत्यधिक विकसित देश हो। अत्यधिक विकसित देशों में पूछ लिया जाए मिश्रित कृषि कौन से देशों में, तो बताना है जो अत्यधिक विकसित देश हैं उन देशों में यह कृषि की जाती है। तो अत्यधिक विकसित देश कौन कौन से हैं? उदाहरण के तौर पे देखें तो अमेरिका है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। कौन सा है? अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, अब आगे चलते हैं इनकी विशेषताओं से संबंधित। क्या देखेंगे आप इनकी विशेषता? तो विशेषता में देखो, विशेषता में दो तो ऊपर वाले पॉइंट हैं उनको शामिल कर लो। पहला तो है इसमें कृषि फसलों के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, या फिर कृषि व पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं।
दूसरा पॉइंट देखो, यह कृषि है यह विकसित देशों में की जाती है। कौन से विकसित हैं? जो अत्यधिक विकसित देश हैं उन देशों में यह कृषि की जाती है। तीसरी अगर हम बात करें तो इसमें भारी पूंजी का निवेश होता है। किसका होता है? इस कृषि में भारी पूंजी। किसका निवेश होगा? भारी पूंजी। कैसे होगा? कृषि भी हो रही है और कृषि के साथ क्या कर रहे हैं? पशुपालन भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? भारी पूंजी का निवेश होगा। और इस कृषि के लिए कुशल व योग्य कृषक, ध्यान देना, कुशल व योग्य कृषक जो कार्य करने में निपुण हो वही इस कृषि को क्या करते हैं? कृषि को करते हैं। फिर देखो, इस प्रकार की कृषि है वो महानगरों के समीप की जाती है। महानगरों के समीप की जाती है। महानगरों के समीप कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि की जाती है। आगे हम बात करें कि जो ये कृषि है इसमें कौन कौन से पशुधन, पशुधन का समझ गए, यानी कौन कौन से इसमें पशु हैं। तो इसमें कौन कौन से पशु हैं? तो घरेलू पशुओं को याद रखना है, भेड़, बकरी, मुर्गा, सुअर। ये तो बात होगी किसके? पशुओं से संबंधित है। तो पशुओं में क्या है? भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि हैं, उनको पाला जाता है। अब बात करें इनमें फसलों से संबंधित, तो फसलों में रहेगा गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन। क्या रहेगा फसलों में? गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन। और पशुओं में क्या देखा था? भेड़, बकरी, मुर्गा और सुअर। ठीक है, अब देखो इस कृषि में जो खेतों का आकार है वो मध्यम होता है। खेतों का आकार की बात करें तो खेतों का जो आकार है वो क्या होता है? मध्यम होता है। तो एक बार पुनः देखते हैं इस मिश्रित कृषि को कि मिश्रित कृषि क्या है। तो इस कृषि में क्या होता है? जो कृषि फसल है उसके साथ साथ क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। यह अत्यधिक विकसित देशों में की जाने वाली कृषि है, जैसे उत्तरी पश्चिमी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप। फिर बात करते हैं कि इस कृषि में भारी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। इसमें कुशल व योग्य कृषक हैं वही इस कृषि को करते हैं। फिर बात की हमने कि यह कृषि है यह महानगरों के समीप की जाती है। कहाँ पे की जाती है? यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है। तथा इनमें खेतों का जो आकार है वो क्या होता है? मध्यम होता है। खेतों का आकार क्या होता है? मध्यम होता है। अब हम बात करें कि इनमें कौन कौन से पशु हैं जिनको पाला जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है भेड़, बकरी, मुर्गा, सुअर, इन्हें को पाला जाता है। और जो मिश्रित कृषि है उसमें कौन सी फसल, तो कौन सी फसल है? गेहूं है, जौ है, राई है और सोयाबीन है। तो इसी के साथ आपकी जो मिश्रित कृषि है वो कंप्लीट है। अब आगे हम बात करेंगे तो वो आएगी दुग्ध कृषि। कौन सी कृषि? दुग्ध कृषि। सात नंबर जो कृषि आती है वो कौन सी है? दुग्ध कृषि। तो दुग्ध कृषि नाम से ही है, ध्यान देना, दुग्ध। यह कृषि का एक अलग तरीका है। कैसे है? देखो इसमें केवल क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। यह कृषि का एक अलग तरीका है,
इसमें क्या किया जाता है, केवल पशुओं को ही पाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, प्रजनन पशु चरण और नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाता है। किस पे? प्रजनन और नस्ल सुधार। पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ध्यान देना, इसमें क्या किया जाता है, प्रजनन व नस्ल सुधार है, उस पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अब आगे देखो, इसमें इस कृषि में और क्या है, इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, इस कृषि का दूसरा नाम क्या है, डेयरी या डेयरी। ध्यान रखना, डेयरी नाम भी आ सकता है, डेयरी नाम भी आ सकता है। तो इस कृषि को क्या कहा जाता है, डेयरी, और डेयरी कृषि भी कहा जाता है। अगर दुग्ध कृषि नाम न देके पूछ लिया जाए कि डेयरी कृषि को समझाइए, तब भी आपको वही बताना है जो हम किसमें पढ़ रहे हैं, दुग्ध कृषि में पढ़ रहे हैं। इस कृषि में बात करें तो मुख्यतः किनका उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। आगे चलो, इसी कृषि में हम और देखते हैं कि इस प्रकार की कृषि है वो भी कहां, नगरों के समीप, नगरों के समीप। और मिश्रित कृषि में क्या देखा था, महानगरों के समीप। ध्यान रखना, दोनों में अंतर कितने हैं, उसमें इसमें तो क्या है, नगर, और उसमें क्या था, मिश्रित में महानगर। तो पुनः देखो एक बार दुग्ध कृषि को, दुग्ध कृषि है ये एक कृषि का अलग तरीका है। कृषि का क्या है, अलग तरीका है। इसमें क्या होता है, पशुओं को पाला जाता है। इसमें क्या होता है, पशुओं को पाला जाता है। और किस पे अधिक ध्यान दिया जाता है, इसमें आपको याद रखना है, किस पे ध्यान दिया जाता है, प्रजनन व नस्ल सुधार पर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। फिर आगे है इसमें कि इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, डेयरी या फिर डेयरी कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा कि इस कृषि में किनका उपयोग किया जाता है, तो इस कृषि में किनका उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में किनका उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। और यह कृषि है ये कहां पे, नगरों के समीप की जाती है। यह कृषि कहां की जाती है, नगरों के समीप की जाती है। अब आती है हमारी लास्ट कृषि। लास्ट कृषि कौन सी है, ट्रक फार्मिंग। कौन सी है, नाम देखो, ट्रक। कौन सी है, ट्रक फार्मिंग। कौन सी कृषि है, ट्रक फार्मिंग कृषि। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे साग सब्जियों की, इसे साग सब्जियों की कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साग सब्जियों की कृषि कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो साग सब्जी हैं, जो ये साग सब्जी हैं, उनको किनमें भरकर, ट्रकों में भरकर, किनमें, ट्रकों में भरकर, निकटवर्ती यानी जो नजदीक नगर हैं, ट्रकों में भरकर जो नजदीक नगर हैं उनमें ले जाकर बेचा जाता है। क्या क्या जाता है, जो नजदीक के नगर हैं उनमें ले जाकर बेचा जाता है। इसीलिए इस कृषि का नाम क्या है, ट्रक फार्मिंग है। तो ध्यान देना,
साग सब्जियों की कृषि किसे कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग को। ट्रक फार्मिंग को क्या कहा जाता है? साग सब्जियों की कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो साग सब्जी हैं उनको ट्रकों में भरकर समीप के नगरों में ले जाकर बेचा जाता है। समीप के नगरों में ले जाकर क्या किया जाता है? बेचा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इसी के साथ आपका जो कृषि से संबंधित टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने कितने प्रकार की कृषियों को देखा है? 8 प्रकार की कृषियों को देखा है। पहले हमारी कौन सी कृषि थी? पहली थी स्थानांतरित कृषि। एक नंबर कौन सी थी? स्थानांतरित कृषि। दूसरी कौन थी? आदिम। दो नंबर कौन सी है? आदिम। तीसरे की बात करें तो तीसरी कौन सी है? जीवन निर्वाहन कृषि। तीसरी कृषि कौन सी थी? जीवन निर्वाहन कृषि। चार नंबर कृषि थी हमारी व्यापारिक कृषि। चौथी कृषि कौन सी थी? व्यापारिक। पांच नंबर की बात करें तो बागाती कृषि। पांच नंबर कौन सी आई थी? बागाती। छह नंबर की बात करें तो छह नंबर थी हमारी मिश्रित कृषि। छठी कौन सी है? मिश्रित। सातवीं कृषि की बात करें तो सातवीं थी दुग्ध कृषि। और लास्ट में हमने क्या देखा है? ट्रक फार्मिंग कृषि को देखा है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जो प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित दो बच गए, एक तो लकड़ी काटना और दूसरा कौन सा बचा है हमारा? खनन से संबंधित। तो देखते रहिए अगले वीडियो में।